Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. Today 20th January 2019 Monday है, नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है और अभी फिलहाल 8:15 हो रहे हैं। तो इस वीक में निफ्टी का मूव कैसे हो सकता है, कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स आ रहे हैं ये देखेंगे और उसके बाद निफ्टी की इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले लास्ट जो स्ट्रैटेजी थी फ्राइडे की उसका क्विकली रिव्यू करेंगे, फिर ग्लोबल मार्केट के ऊपर जाएंगे और फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये एक पिक्चर है फ्राइडे का यानी 25 जनवरी 2019 का आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आ बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा ब्रेकआउट लेवल था 10,878 और ब्रेकडाउन लेवल था 10,838। तो आप जैसे कि देख रहे शुरू में ही जैसे ही पहले एक दो मिनट था उसमें ही हमारा ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ और फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ। हालांकि फर्स्ट मिनट में जो मूव आया था उसमें हमें ना तो ट्रेड करने का मौका मिलता था ना ही ऑर्डर डालने का मौका मिलता था। तो यहाँ पर पहले तो कोई ट्रेड नहीं बनता और जैसे ही हमारा बाद में जैसे ही निफ्टी टूवर्ड साउथ की तरफ बढ़ा और हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ 10,838, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 10,814 और सेकंड टारगेट 10,800 ये दोनों भी अचीव हुए। तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अराउंड 30 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और अगर 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22,500 का यहाँ पर प्रॉफिट का मौका था। ठीक है, तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देखते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। फ्राइडे डाउ जोन्स नासडैक अमेरिकी बाजार में बढ़त देखने को मिली। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई जापानीज मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। फ्राइडे को यूरोपियन बाजार लंदन मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दी, हालांकि जर्मन और फ्रांस मार्केट में बढ़त देखने को मिली। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 43 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी अभी फिलहाल हल्की से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत आ रहे हैं। आज मंडे है, हफ्ते का पहला दिन है, देखते हैं क्या हो सकता है। वीकली चार्ट में देखेंगे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा मंथली चार्ट का भी एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि अभी मंथ खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। तो ये है मंथली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का, स्पॉट इंडेक्स का। हम स्पॉट इंडेक्स के ऊपर एनालिसिस करते हैं और बाद में इसके अकॉर्डिंग हम निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करने का मौका ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। आप जैसे कि देख रहे हैं ये जो अक्टूबर का कैंडल बना हुआ है इसका हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साइडवेज पैटर्न चल रहा है। ये हाई और ये लो, जो अक्टूबर का हाई और लो है, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अगर हमें ट्रेंड देखना है तो हमें हायर हाई हायर लो का ये जो बुलिश पैटर्न है ये देखना बहुत जरूरी है, ये मिलना बहुत जरूरी है चार्ट के अंदर। और अगर बेयरिश ट्रेंड होता है तो हमें लोअर हाई लोअर लो यहाँ पर देखना ही मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी अक्टूबर का 3 महीने हो चुके हैं, अक्टूबर का हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्लियरली साइडवेज पैटर्न है। जितना लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट होता है उतना ही हमें ट्रेंड का क्लियरिफिकेशन मिलता है। ठीक है, तो ये है मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में फिर से एक बार ये जो 50% का लेवल था इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। लास्ट वीक हमें यहां पर क्लोज मिला था, जो सिग्नल था, कंफर्मेशन नहीं था। कंफर्मेशन के लिए और एक दिन यहां पर बुलिश कैंडल बन के इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी था, लेकिन हालांकि आप जैसे देख रहे हैं लास्ट वीक अभी फ्राइडे इसके नीचे आके फिर से 10,880 के नीचे आकर क्लोज हुआ। लगातार यहाँ पर साइडवेज पैटर्न बना हुआ है। तो ये 20 EMA का ये जो लाइन है ये देखिए 10,783 के पास है, यहाँ पर ये एग्जैक्ट इसने सपोर्ट टेस्ट किया और ऑलमोस्ट इसके आसपास क्लोज हुआ 780 के पास। तो अभी ये नेक्स्ट अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो 10,675 का ये जो 50 EMA है ये भी उसी लेवल के पास आ रहा है, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है 10,675, और ऊपर में 10,880 और 10,960 ये रेजिस्टेंस के काम कर सकते हैं। ठीक है, ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में हमने यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखा था जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद यहाँ से हमें डाउनवर्ड मूव दिखाई दिया, और अभी ये जो कंबाइंड सपोर्ट आ रहा था 50 और 100 EMA का एज पर डेली चार्ट 10,790 के पास, इसके नीचे ये क्लोज हुआ है। ठीक है,
तो अगर ये फ्राइडे का भी लो अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो हमें 10,675 के लेवल्स यहाँ पर फिर से एक बार दिखाई दे सकते हैं। अभी मैगडी और आरएसआई एज पर डेली चार्ट दोनों भी सपोर्टिव इंडिकेटर्स नेगेटिव है, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो सकता है, ये अगर लो ब्रेक करता है तो 10,675 के लेवल्स फिर से एक बार अचीव हो सकते हैं। हो सकता है ये फॉल्स सिग्नल हो, इसके नीचे आकर क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ से अभी ये जो 4 ट्रेडिंग सेशन लगातार यहाँ पर जो डाउनफॉल आया है इसमें थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो देखते हैं, मंडे है, संभल कर ट्रेड करना होगा। चलते हैं इंट्राडे स्ट्रेटजी बनाते हैं, 60 मिनट के चार्ट में चलेंगे। ये है 60 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट। अगर ये जो हाफ एन आवर, लास्ट हाफ एन आवर में ये जो बुलिश कैंडल स्टिक बनाई है, इसका अगर हाई अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली निफ्टी इंडेक्स, अगर 10,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये हमें इंट्राडे के लिए बाय करना चाहिए, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,822। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,849, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर 10,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हमें बाय पोजीशन बनानी चाहिए, और अगर इसका ये लो अगर ब्रेक कर देता है, ये लो अगर ब्रेक करता है 10,756 कंफर्टेबली, इसके नीचे सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,737, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,714, ठीक है। तो ये थी आज के लिए निफ्टी की इंट्राडे स्ट्रैटेजी, इंट्राडे लेवल्स। तो अगर आपको ये एनालिसिस, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।